क्वेश्चन है, कैलकुलेट टेम्परेचर इन केल्विन एट विच परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 5.67 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना। तो ये है क्या चीज, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यानी कि एमिसिव पावर फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। वैसे भी अगर मेंशन ना हो कोई बॉडी तो बाय डिफॉल्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी ली जाती है। तो ये कोई एनर्जी बाहर फेंक रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इसका टेम्परेचर निकालना है। तो स्टीफन लॉ क्या कहता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, इज इक्वल टू सिग्मा इनटू टी की पावर 4। तो आपको टेम्परेचर निकालना है, एमिसिव पावर पता है, सिग्मा पता है, तो सॉल्व करके ये आंसर टेम्परेचर आ जाएगा। तो जब भी टेम्परेचर का क्वेश्चन आएगा, टेम्परेचर का और एमिसिव पावर का, तो इज इक्वल टू सिग्मा इनटू टी की पावर 4। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ल्यूमिनोसिटी ऑफ अ स्टार, ल्यूमिनोसिटी समथिंग रिलेटेड टू लाइट, लाइट एनर्जी। तो ल्यूमिनोसिटी नोट लिख लो इज एमिसिव पावर, सेम ल्यूमिनोसिटी और एमिसिव पावर सेम होती है। तो एमिसिव पावर की रेशियो 17,000 है, तो ल्यूमिनोसिटी की रेशियो इज इक्वल टू एमिसिव पावर की रेशियो। तो इसमें कोई मेंशन किया नहीं है, तो ये स्टार्स हम लेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ल्यूमिनोसिटी ऑफ स्टार इज 17,000 टाइम दैट ऑफ सन। तो स्टार के एमिसिव पावर E1 है और सन की E2 है, तो E1 इज टू E2 गिवन है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन गिवन है, T2 गिवन है, टेम्परेचर ऑफ स्टार निकालना है, T1 निकालना है। तो साफ पता लग रहा है कि E डायरेक्टली इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। तो ये सन, ये स्टार के लिए, ये सन के लिए, तो सिग्मा कट गया, T1 निकालना है, ये रेशियो गिवन है, सन का टेम्परेचर गिवन है, सॉल्व करके यहीं तक छोड़ना पड़ेगा, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो यहीं तक छोड़ देना आंसर, नहीं तो दो बार अंडर रूट ले लेना, क्या ही करोगे 1/4। ठीक है यहाँ तक? ठीक, जैसे ये क्वेश्चन है, ड्यू टू चेंज इन मेंस वोल्टेज, पीछे से वोल्टेज हो गई चेंज, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब राइजेस फ्रॉम 3000 से 4000 केल्विन। तो एक बल्ब है, उसका टेम्परेचर 3000 से 4000 केल्विन हो गया, बल्ब इज अ हॉट बॉडी, तो कुछ मेंशन नहीं है कौन सी बॉडी, तो एज्यूम इट टू बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये टेम्परेचर चेंज हो गया, व्हाट इज परसेंटेज राइज इन इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड, तो उसकी जो पावर कंज्यूम्ड है वो कितनी चेंज हुई। तो जो एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया होती है वो सिग्मा इनटू टी की पावर 4 है, पहली बल्ब का टेम्परेचर 3000 है, फिर वोल्टेज चेंज हुई तो टेम्परेचर 4000 हो गया। तो ये टर्म आ गई आपके पास, तो ये P1 P2 आ गया। अब कई लोग कहते हैं P1 P2 कैसे आ गया, ये तो E1 E2 था, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, जबकि पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड, एरिया नहीं। तो एक बात बताओ कि इसमें हम ऐसा करें कि चलो आप एज्यूम करो कि ये पावर है, पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकंड, तो आप ना यहाँ पे एरिया से इसे मल्टीप्लाई कर देना एरिया से। क्यों? क्योंकि जब आप एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी पर सेकंड को पावर लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो पावर को लिख सकते हैं एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई, लिख लिया। तो दोनों, इस बल्ब की पावर आ गई जब टेम्परेचर 3000 से 4000 हुआ, तो दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके ये रेशियो आ गई, डिवाइड करके एरिया से एरिया ऑटोमेटिकली कैंसिल, इसलिए उसने एरिया से मल्टीप्लाई नहीं किया, पर कायदे से बनता था एरिया से मल्टीप्लाई करना अगर वो पावर यूज कर रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? वो अलग बात है कि पावर और इसमें ई में फर्क नहीं होगा क्योंकि एरिया इसमें कैंसिल ही होने वाला है बल्ब का। तो वो क्या कह रहा है, परसेंटेज चेंज इन पावर निकालना है, तो P2 - P1/P1, तो यहाँ से P2/P1 की रेशियो हम निकाल चुके हैं, आंसर आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, जब टेम्परेचर का और इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे इसको जब चेंज करना है तो कैसे यूज